नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में SSB मिनिस्ट्रियल का पार्ट 6 यहाँ पर लेकर आए हैं। पांच पार्ट हमने पहले डाल दिए हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन शामिल हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन हैं। दोस्तों प्रत्येक मॉक टेस्ट लगाया करें, क्योंकि इसका फायदा यह होगा कि आपके प्रत्येक विषय का रिवीजन होता रहेगा तथा एग्जाम में आपको इन मॉक टेस्ट में से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, SSB हेड कॉन्स्टेबल ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चार बिट्स का एक समूह एक बनाता है, तो चार बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? निबल, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वायुदाब लेखिका किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वायुदाब लेखिका किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? लुसियान विधि के द्वारा, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह होने का कारण क्या है? तो मधुमेह होने का कारण क्या है कि शरीर में शुगर का बढ़ना तथा इंसुलिन का कम उत्पादन होना, ये दो मुख्य कारण है। एक तो इंसुलिन का कम उत्पादन तथा शरीर में शुगर बढ़ना, ये इसका कारण है, मधुमेह होने का कारण। अगला क्वेश्चन, चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेनिकारा जेपोटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम से अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के अंदर स्थित होते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के अंदर क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा होता है, ये भी SSB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो स्थित है वो है महाराष्ट्र में, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन SSB में पूछा हुआ है, कुचिपुड़ी कौन से राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है प्लूटो को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वप्रथम अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है दिलीप कुमार ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव में हो जाता है, यानी कि द्रव के रूप में बदल जाता है? तो ये इसका सही आंसर है पारा। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवावर्त हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है, कितनी भी बार कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से प्रसिद्ध खिलाड़ियों के आप नाम याद रखिए रखिए और साथ में रखिए याद कि यह कौन से खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र है वो है चाणक्य की रचना। अगला क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, जो कि पूरे शरीर पर त्वचा होती है, इसलिए इसका सही आंसर है मानव में सबसे बड़ा अंग हो कौन सा होता है? त्वचा। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम, सिक्किम के अंदर कौन सा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, अच्छे से याद रखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग या राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है NH-44, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलिजर पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है पत्रकारिता में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी पुलिजर पुरस्कार की? वो हुई थी 1917 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है?
तो भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की भी कोई सीमा नहीं है, ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिए अगर मॉक टेस्ट को, काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनसे देखने के मिलेंगे, तथा इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपके सभी विषय के आपके रिवीजन होते रहेंगे क्वेश्चन, और आप जिससे भूल नहीं सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, तथा अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और दोस्तों वीडियोज अच्छी लगती हो और अभी तक आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि SSB के संबंध में हम बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पर पहले अपलोड कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।